इट वॉज जस्ट रिवेंज एंड आई कैन कम्प्लीट माई रिवेंज। मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में कदम बढ़ाऊँ बढ़िया से और अच्छे रास्ते की ओर चलूँ। ओ कहंदे मारे फेर सौ पर मरिया ना एक गप ऐडा भी ना होवे जबान ते जे चक संताली आउणे सन्या निशाना सा दे जांदे जवाब नाड चौ नाड दे उसका निशाना कभी चूकता ही नहीं। Man, drop that shit for these fuck niggas. जिथे पए वैर जान दे आ लोक वैली पछम दी कोटी वांगू देड़ी जांदे देड़ी जांदे आ ओ अख विच अख किथे पौणियां परौणियां दे दूरों देख पैंटां लवेड़ जांदे आ जिथे पए वैर जान दे आ लोक वैली पछम दी कोटी वांगू देड़ जांदे आ ओ अख विच अख किथे ओ अख विच अख किथे पौणियां परौणियां दे दूरों देख पैंटां लवेड़ जांदे आ जांदे आ ओ गन वैसन समर्थ जहे जिगरे ओ गन वैसन समर्थ जहे जिगरे ना मुल मिल दे बाजार जो हाय रानी ओ चल दे आ यार तेरे तो चल दे आ यार तेरे तो सारे चल दे आ यार तेरे तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेरे को मरवा के ये चाहते हैं कि राजनीतिक जमीन को पक्का कर लिया जाए। लाखों की तादाद में पूरा राजपूत समाज एक साथ खड़ा हुआ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आनंदपाल सिंह के छोटे भाई को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। राजस्थान से निकला हुआ इससे बड़ा दिक्कत तो दूसरा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और ऐसा किट होगा जिसके लिए और वो आनंदपाल सिंह था। आओ चल दे आ यार तेरे तो चल दे आ यार तेरे तो सारे चल दे आ यार तेरे तो लवी ताली वाला और कुछ। कहते हैं मई 2017 में आनंदपाल सिंह ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के थ्रू तब राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह थे कल्याण सिंह तक बात पहुंचाई गई कि वो सरेंडर करना चाहता है। शर्त यह है कि कोई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में उसके पूरे मामले की छानबीन हो जांच हो और जो भी उसके पर इल्जाम लगे हैं उसकी सही से जाँच हो क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ सारे झूठे इल्जाम रखे हैं। सारा मामला पॉलिटिकल है लेकिन बात बनी नहीं।